So hey guys and what's up and welcome back to my channel once again guys. So आज है 23rd of September and आज है वो date जिस दिन the Rocket League free आने वाला था Epic Games Store पे, तो हम लोग वो game claim कर चुके हैं और उसको install भी कर चुके हैं and आज हम इसका एक unboxing करने जा रहे हैं। कुछ parts मैंने skip कर दिया इस वीडियो को शूट करने से पहले क्योंकि भाई उस पर कुछ ट्यूटोरियल दिया जाता है, वो मैं बाद में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आप लाइव स्ट्रीम पे जुड़े रहोगे मेरे साथ तो वहाँ पे मैं आप लोगों को सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा आने वाले टाइम्स में। बट एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है पीसी गेमर्स के लिए, क्योंकि एपिक गेम्स में चल रहा है एक बहुत बड़ा सेल और जो भी इस गेम को क्लेम करने वाला है उसको मिलने वाला है $10 का वाउचर, जो कि वो अपना कोई भी गेम को खरीदने में क्लेम कर सकता है जो कि $15 से ऊपर हो, और टर्म्स एंड कंडीशंस वहाँ पे आप लोगों को मिल जाने वाला है। तो जाके जरूर से चेकआउट करें एक बारी, तो और जिन लोगों के पास ये गेम नहीं है तो जाके ये गेम को क्लेम कर ले अभी के अभी, क्योंकि ये गेम मस्त है। और अगर पबजी ये होना तो नहीं चाहिए, बट अगर पबजी वापसी ना कर पाए इंडिया पे तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है आने वाले टाइम्स में, बैटल रॉयल गेम्स बोले या ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में कहीं पे भी बोले। तो चलो गाइस हम अपना टाइम को ना वेस्ट करते हुए इस वीडियो को यानी कि इस अनबॉक्सिंग को चालू करते तो गाइस ये हमारा ओपनिंग पेज है और मैं बता देना चाहता हूँ कि इस गेम को चलाने के लिए आपको थोड़ा अच्छा खासा ग्राफिक कार्ड का जरूरत पड़ सकता है, क्योंकि इन लोगों का जो मिनिमम लिखा हुआ है वहाँ पे वो है आपका GTX 970 या 790 ऐसा कुछ था वहाँ पे, तो वो जाके एक बार चेक कर ले। तो 790 या 760 तो काफ़ी अच्छा ग्राफिक कार्ड है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो हर किसी का पीसी में नहीं रहता है। तो भाई ज़रूर से मेरे रिकमेंडेशन है कि एक बार चेक कर ले भाई कुछ भी करने से पहले। इसके बाद बताया जाए तो यहाँ पे प्ले का एक ऑप्शन मिलता है हम लोगों को इनिशियल ओपनिंग पेज में, जो कि हर गेम पे होता है, उसको हम बाद में आते हैं। इसके बाद आता है हमारा आइटम शॉप। आइटम शॉप पे तो अच्छा भाई यहाँ पे हमको लॉगिन करना पड़ता है, ठीक है गाइस। तो पता नहीं हम लोगों को लॉगिन करना पड़ेगा, वो हम बाद में देख लेंगे। तो ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे रॉकेट पास देखने को मिल जाता है, तो जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे गैरेज है, फिर प्रोफाइल है हमारा, प्रोफाइल पे हम अपना बैनर बॉर्डर कैरियर रिप्लेस सब कुछ चूज कर सकते हैं, लीग रैंकिंग्स वगैरह। बट यहाँ पे तो अभी ये बोल रहा है कि लॉग्ड इन नहीं है, तो देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हम लोगों को मिलता है इन गेम प्ले के अंदर। हम लोगों को देखने को मिल जाता है टेक्स्ट चैट देखने को मिल जाता है, स्प्लिट स्क्रीन भी हम लोगों को देखने को मिलता है। यहाँ पे क्रॉस प्लेटफॉर्म है इस गेम में, मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि रॉकेट लीग इज़ अ फुल्ली क्रॉस प्लेटफॉर्म फंक्शनल गेम, यानी कि ये आपको पीसी, एक्सबॉक्स, PS4, निंटेंडो स्विच, PS5 भी आने वाला है यार, और एक्सबॉक्स सीरीज एक्स भी लॉन्च होने वाला है तो उन सब में भी देखने को मिल जाएगा। बैंडविड्थ लिमिट, सर्वर सेंड रेट और सब कुछ हाई पे सेट किया है भाई, ये सारे चीज़ें मैक्सिमम हाई पे ही है भाई। वेरी हाई तो होता तो उसमें भी मैं डाल देता भाई, इंटरनेट पूरा यूज़ कर बट मस्त यूज़ कर एकदम। यहाँ पे आपको फील्ड व्यू वगैरह देखने को मिल जाता है, कंट्रोल्स यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, की बाइंडिंग्स जो है वो आप चेंज कर सकते हो यहाँ से, फिर आपका इंटरफेस जो होता है नेम प्लेट वगैरह वो भी आप चेंज कर सकते हो। वीडियो में जाके आप एकदम मस्त चेंज कर सकते हो हाई क्वालिटी, भाई मैं हाई क्वालिटी पे रखा हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से हाई क्वालिटी काफ़ी अच्छा होता है, और कोई दिक्कत नहीं है आपके हिसाब से। आपके पास जो भी ग्राफिक कार्ड है या जो भी प्रोसेसर है या जो भी रैम है उस पर आपको डिपेंड करता है कि आपका सेटिंग क्या होने जा रहा है आपका गेम के लिए। इसके बाद आ जाते हैं हम ऑडियो पे। ऑडियो पे आपको मास्टर वॉल्यूम, गेम लेवल वॉल्यूम, म्यूजिक वॉल्यूम, एम्बिएंट वॉल्यूम, क्राउड वॉल्यूम एंड आउटपुट टाइप देखने को मिल जाता है। आउटपुट टाइप पे आप कोई भी चेंज कर सकते हो, स्पीकर्स एंड हेडफोन्स आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने हेडफोन्स पे चेंज कर दिया है जो कि मतलब जो अभी मैं करंटली यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे इनके म्यूजिक ट्रेनिंग ओनली है एंड डायनामिक रेंज भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे टीम इन्फॉर्मेशन, कम्प्लीमेंट्स, रिएक्शंस, एपोलॉजीज, पोस्ट गेम एंड प्री गेम आप तो देखने को मिल जाता है। चैट ऑप्शंस के अंदर एंड एक्स्ट्रास के अंदर अगर आप देखें तो आपको रिडीम कोड, सपोर्ट, पेरेंटल कंट्रोल, क्रेडिट्स, मैनेजमेंट, लीगल इशूज, यूला ड्रा, टर्म्स ऑफ सर्विस, प्राइवेसी पॉलिसी, SCT एक्ट, पेमेंट सर्विसेज एक्ट, ये सब देखने को मिल जाता है।
एक्स्ट्रास के अंदर एक ही चीज काम का है, वो है रिडीम कोड। अगर आपके पास कोड है तो जाकर रिडीम कर लो भैया, बाकी कोई काम का नहीं है। बाकी आप एक बार पढ़ सकते हो, मतलब हाँ भाई पढ़ना तो चाहिए, पढ़ने के लिए ही देते भाई। पता नहीं हम लोग क्या मतलब चढ़ी पड़ी होती है जो कि हम नहीं करते, बट चलो गाइस हम फ्री प्ले करके आप लोगों को दिखाते हैं यार मतलब कैसे होता है गेम प्ले। और भाई और जो भी सॉकर फैंस है ना अपना, उन लोगों में बता देना चाहता हूँ कि ये गेम उन लोगों के लिए एकदम मस्त गेम होने वाला है भाई। भाई यहाँ पे तो कंट्रोल्स की लगी पड़ी है हमारी। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपको बॉल को लेके खेलना पड़ता है, और अच्छी बात ये भी है कि आपको यहाँ पे मेरे हिसाब से कंट्रोलर का तो उतना ज़रूरत पड़ता नहीं है। और ये देखो ऐसे करके आप स्कोर भी कर सकते हो भाई। यहाँ पे मैं विदाउट ओपोनेंट दिखा रहा हूँ, एंड मेरे को नहीं पता विदाउट ओपोनेंट आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं। मैं खुद ही गोल के अंदर घुस गया भाई, ये मजाक चल रहा है भाई, हम खुद ही गोल के अंदर घुस रहे। बट मेरे हिसाब से वर्थ इट गेम है, बहुत वर्थ इट गेम है। अगर आपके पास एक ठीक ठाक सा भी पीसी है ना तो जाओ भाई, क्या इंतज़ार कर रहे हो। 30 दिन के अंदर क्लेम करोगे ना तो एक $10 का कूपन भी मिलेगा भाई, उससे जाके जो मर्जी गेम उठाना है उठा लो। रेड डेड रिडेम्पशन 2 आपको 1100 रुपये के आसपास में देखने को मिल रहा है तो उसको उठा सकते हो। और बाकी भाई कंट्रोल की बात किया जाए तो कंट्रोल एकदम मस्त है, ज़बरदस्त है। और लाइटिंग का बात किया जाए वो तो मतलब फाड़े भाई फाड़े, एकदम फाड़े अपना क्वालिटी के हिसाब से फाड़े भाई। तो मेरे हिसाब से जाओ भाई, इंतज़ार करना तो नहीं चाहिए, मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, जाओ जाके क्लेम करो, मस्त खेलो दोस्तों के साथ। और एक और बात बता दूँ कि ये गेम फुल्ली क्रॉस प्ले एनेबल्ड है, तो आपको चिंता लेने का ज़रूरत नहीं है। ये आपका कोई भी दोस्त हो जो कि मतलब चाहे PS4 में खेल रहा हो, Xbox में खेल रहा हो, या PC में खेल रहा हो, या Nintendo Switch में खेल रहा हो, तो हर किसी के पास ये गेम होगा और वो खेल पाएगा। अब इसका एक ओवरऑल रेटिंग भी हमें देना है, क्योंकि मैंने बोला ही है कि भाई रिव्यू है, अनबॉक्सिंग है, तो देना पड़ेगा ना भाई, बनता है ना एक रिव्यू रेटिंग सब कुछ बनता है ना इस गेम का। इतना अच्छा गेम है तो भाई कुछ तो बनता है इसका भी। तो चलो भाई अभी हम निकलते हैं यहाँ से और आप लोगों को या इसका एक रेटिंग दे देते हैं। तो ये इसका ओपनिंग स्क्रीन है, मैं दिखाना भूल गया था यहाँ पे। तो यहाँ पे पता नहीं इसको क्या है, लॉग्ड इन क्यों नहीं हो रहा, बट आने वाले टाइम में हो जाएगा भाई, देख लेंगे। तो वो बात किया जाए इसका गेम प्ले के बारे में, एज अ फुटबॉल एंड रेसिंग का कॉम्बो, इसको मैं 8.7 दूंगा आउट ऑफ 10 आउट ऑफ इन टर्म्स ऑफ लाइटिंग बोला जाए तो ये 8.5 आउट ऑफ 10 डिजर्व करता है। वैल्यू इस गेम का तो भाई 9.1 आउट ऑफ 10 है। ई स्पोर्ट्स पर्सपेक्टिव से अगर गेम को देखा जाए इस गेम को, तो आप 9.2 आउट ऑफ 10 इसको रेट कर सकते हो। एंड प्लेबिलिटी यानी कि आपका ग्राफिक रिक्वायरमेंट या कोई भी रिक्वायरमेंट देखा जाए तो इसको आप आराम से 9.5 दे सकते हो। तो ओवरऑल पे इस गेम को आप 9.3 आउट ऑफ 10 रेट कर सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल रेसिंग गेम्स, फुटबॉल RPG गेम्स बोल सकते हो भाई। इस पे अगर आपका हाथ सेट हो गया तो आगे आने वाले टूर्नामेंट्स में आप बहुत अच्छे कर सकते हो, बहुत मतलब बहुत आगे जा सकते हो स्पोर्ट्स में। एंड जरूर भाई आप चाहे एपिक गेम्स में जाके क्लेम करें, अपना $10 का कूपन ले, अपना अच्छे अच्छे गेम्स ले, फुल मस्ती करें एकदम से। तो भाई अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। इस बार का लाइक एम रखते हैं 100 लाइक्स, पता है भाई करवा दोगे यार, तो तेरी किस बात की, ठोको ना भाई लाइक बटन ठोकते रहो। और वीडियो को और अच्छी लगी है और या अपना दोस्तों के साथ आप बताना चाहते हो ये न्यूज़ को, तो किस बात का देरी है भाई, नीचे शेयर बटन दी हुई है, जाओ जाके ठोको, ठोक के एकदम से मस्त शेयर करो अपना दोस्तों के साथ। और अगर आप लोग मेरे 24 आवर्स लाइव स्ट्रीम जो कि 26th ऑफ सितंबर को इसी चैनल पे सुबह 8:30 बजे से होने वाला है, उसमें आप ज्वाइन करना चाहते हो ना भाई, तो नीचे दी गई डिस्कॉर्ड लिंक को दबा दो भाई, वहाँ पे जाओ ज्वाइन हो जाओ भाई। हमारा स्ट्रीम तो कोई भी देख सकता है भाई, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे साथ खेलना है तो डिस्कॉर्ड में आ जाओ भाई, थोड़ा बातचीत भी होता रहता है हर रोज ही, मान के चलो वहाँ पे कॉल चलता रहता है, हम अपना दोस्तों के साथ बातचीत करते रहते हैं, तो वहाँ पे आ जाओ, मस्त बातचीत होगा, सबके साथ बातचीत होगा वहाँ पे।
और इसके अलावा कोई भी आपको क्वेरीज हो इस गेम के बारे में, इंस्टॉल नहीं हो रहा है, लॉगिन नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो क्या दिक्कत है भाई, नीचे इंस्टाग्राम फेसबुक सबका लिंक दी हुई है, आओ आके बातचीत करो मेरे से, बातचीत करेंगे बैठ कर आराम से, सबका प्रॉब्लम सुलझ जाएंगे भाई। तो गाइस आज का वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है आप लोगों से एक और नई वीडियो में, टिल देन गुड बाय।